त्रिंबक यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत मोक्षीय मामृतात। भक्तो जय बोले शंकर, जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। दोस्तों, श्री अमरनाथ जी की यात्रा 30 जून 2022 से शुरू होने वाली है और मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी है कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की कौन सी है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगेगी और कहां से करनी है, फॉर्म कौन सा फिल करना है और मेडिकल फॉर्म कहां से मिलेगा। और दूसरे वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी है कि यदि आप यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो कौन सी वेबसाइट से आप टिकट बुक कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर कहां से मिलेगा, कितना खर्चा लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। भक्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। जय भोले शंकर। इन दोनों वीडियो में यात्रा से पहले की जानकारी है, अब आगे है कि आपको यात्रा के लिए कहां आना है और कैसे आना है। दोस्तों, आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो सबसे पहले आपने ट्रेन की टिकट बुक कर लेनी है जम्मू के लिए या उधमपुर के लिए। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो आपके पास 2 एयरपोर्ट हैं, पहला जम्मू, दूसरा श्रीनगर। तो चलिए पहले ट्रेन की बात कर लेते हैं। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो आप जम्मू तवी की टिकट बुक कर लें। ऐसे तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन उधमपुर है, पर आप जम्मू में उतरिए, आपको यहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन उतर कर आपने सीधा भगवती नगर यात्री कैंप पहुँचना है। यहीं से आपकी पहलगाम और बालटाल के लिए अर्ली मॉर्निंग बसेस अवेलेबल हो जाएंगी। दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिस डेट से श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होती है उस डेट से लेके यात्रा के अंत तक आपके लिए फ्री लंगर लग जाते हैं जम्मू से लेकर पवित्र गुफा तक। भगवती नगर यात्री कैंप में आपके रहने की व्यवस्था की होती है केवल एक दिन के लिए, और आपकी यात्रा बुकिंग जिस डेट की है उससे केवल एक दिन पहले ही आप वहां पहुंचें। वहां पे आपको हॉल के अंदर नॉमिनल चार्जेस पर गद्दे और चद्दर आदि मिल जाते हैं। कैंप पहुंचते ही आपने अर्ली मॉर्निंग बस टिकट निकाल लेनी है। यदि आप पहलगाम की तरफ जाते हैं तो आप 8-9 घंटे में अनंतनाग के रास्ते होते हुए आप पहलगाम पहुँच जाएंगे, और आपका बस का किराया AC बस 800 से 900 रुपये और डीलक्स बस 500 से 600 रुपये तक आएगा। यदि आप बालटाल की तरफ जाते हैं तो आप 12 से 13 घंटे में सोनमर्ग के रास्ते होते हुए बालटाल पहुंच जाएंगे, और आपका बस का किराया AC बस 1300 रुपया और डीलक्स बस 800 रुपया पड़ेगा। दोस्तों, दोनों जगह जैसे पहलगाम और बालटाल आप शाम को ही पहुँचोगे। वहाँ आप गवर्नमेंट टेंट्स में नॉर्मिनल सा चार्ज देकर आप रह सकते हैं, खाना और मेडिकल तो बिल्कुल फ्री है ही है, और दोनों जगह से आप अर्ली मॉर्निंग यात्रा शुरू कर सकते हैं।